रामू कैसा है भाई? सब बढ़िया। अरे रामू, ये तेरी गाय है ना? ये है मेरी बबीता। इसको टीका लगवाया तूने? कैसा टीका? पैर और मुंह की बीमारी का टीका भाई। ये कैसी बीमारी है? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ, वो तुझे समझा भी देंगे और टीका भी लगा देंगे गाय के। आइए आइए डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये पैर की और मुंह की बीमारी क्या होती है? इसे खुरपका यानी FMD की बीमारी कहते हैं। इसमें पशुओं में कमजोरी रहती है, मुंह से थूक गिरता है और सबसे बड़ी बात, इनके दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये बीमारी होती कैसे है? इसकी कई वजह हैं, जैसे पशुओं को अस्वस्थ जगह में रखना, उन्हें दूषित पानी पिलाना और गलत तरीके से चारा खिलाना। पर मेरी गाय तो लल्लन और किशन की गाय के साथ चरती हैं। तो एक काम करो, लल्लन और किशन को भी बुला लो। डॉक्टर, क्या तुम दोनों ने अपनी गाय को FMD का टीका लगवाया है? FMD ऐसी भी कोई बीमारी होती है? FMD की बीमारी एक गाय से दूसरी गाय में बहुत आसानी से फैलती है, इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी गायों को जल्द से जल्द FMD का टीका लगवाएं। भारत सरकार ने मिशन आरोग्य पशु के अंतर्गत आपके सभी पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, सुअर, इन सब का मुफ्त में FMD का टीका लगाया जाएगा। सरकार का ये भी वादा है कि अगले 5 साल में इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण ले लिया जाएगा। आपके पशुओं को टीका लगवाने के बाद एक विशिष्ट पहचान टैग भी लगाया जाएगा, इससे ये स्पष्ट रहेगा कि आपके पशु को FMD का टीका लग चुका है। यानी मेरी बबीता के साथ पूरे गांव के पशु स्वस्थ हो जाएंगे? अरे बिल्कुल। FMD की बीमारी से गाय कमजोर हो जाती है और उसके दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये एक गाय से दूसरे गाय तक आसानी से फैलता है और पूरे गांव की आय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अनिवार्य है कि आप भी अपने पशुओं को आज ही FMD का टीका लगवाएं और अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को ये सुझाव दें कि वो भी जल्द से जल्द अपने पशुओं को FMD का टीका लगवाएं। और ध्यान रहे, टीका लगवाते समय सिर्फ और सिर्फ एक नई सुई से ही टीका लगवाएं। आओ बढ़ें एक खुशहाल कल की ओर। FMD पे वार हर 6 महीने में एक बार।